नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टेम्पल्स ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्य। आज की इस कड़ी में हम आपको चमत्कारों और रहस्यों से भरे एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। एक ऐसा मंदिर जहां मुराद पूरी होने पर पशु बलि देने की प्राचीन परंपरा निभाई जाती है, लेकिन पशु की बलि देने के बाद भी वह पशु फिर से जिंदा हो उठता है। कहते हैं इस मंदिर में कोई दिव्य शक्ति है जो सांकेतिक तौर पर जानवरों की बलि लेती है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में एक चमत्कारी शिवलिंग भी है जो दिन में एक बार नहीं बल्कि तीन तीन बार अपना रंग बदलता है। यह भी अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह अद्भुत चमत्कार कैसे होता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। आज की इस कड़ी में हम इसी अद्भुत चमत्कार के बारे में आपको बताएंगे। भारत के ऐतिहासिक राज्य बिहार में कई मंदिर और किले हैं। अशोक सम्राट की धरती का जिक्र रामायण काल से लेकर महाभारत तक में आया है। बिहार राज्य धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूपों में एक समृद्ध राज्य है। इस राज्य में एक बहुत ही प्राचीन माता का मंदिर कैमूर जिले में स्थित है। इस मंदिर के बारे में हम आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अंत तक हमारे साथ बने रहना होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये एक चमत्कारी मंदिर है। जहां बलि प्रथा तो है, यहां बलि के लिए जानवर भी लाए जाते हैं, लेकिन उस जानवर के साथ कोई हिंसा नहीं होती। उस पशु का एक भी बूंद खून नहीं बहता और माता को बलि भी चढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन सत्य यही है। आइए हम आपको इस मंदिर के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। बिहार के कैमूर पर्वत की पवरा पहाड़ी पर 608 फीट ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर मुंडेश्वरी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में बलि की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पशु बलि की सात्विक परंपरा है। ये एक सांकेतिक बलि प्रक्रिया है। यहाँ बलि में बकरा चढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि जब बकरे को माता के सामने लाया जाता है तो पुजारी मूर्ति को स्पर्श कराकर चावल और फूल बकरे पर फेंकते हैं। अक्षत की मार से बकरा उसी क्षण बेहोश हो जाता है। हालांकि कुछ देर के बाद फिर से पुजारी जी अक्षत फेंकते हैं और उन्हीं अक्षत से बकरा उछलकर उठ खड़ा होता है, मानो वो किसी गहरी नींद से जागा हो। इसके बाद मंदिर में चारों ओर माता मुंडेश्वरी के जयकारे लगते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में देवी साक्षात स्वयं विराजमान हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। माता की अद्भुत शक्ति की झलक यहाँ साफ दिखाई देती है। बताया जाता है कि इस मंदिर में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी बलि देने आते हैं और आंखों के सामने ये चमत्कार होता हुआ देखते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि माँ मुंडेश्वरी सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना को पूरा करती हैं। इस मंदिर की कथा की बात करें तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार माता यहाँ पर चंड मुंड नामक दो राक्षसों का वध करने के लिए आई थी। मान्यता है कि जब माता ने चंड का वध कर दिया तो मुंड इसी पहाड़ी में छिप गया था। माता ने यहीं पर मुंड के साथ युद्ध किया और उसका वध किया था। यही कारण है कि इस मंदिर को मुंडेश्वरी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का चमत्कार यही खत्म नहीं होता। अहिंसक बलि के प्रथा के साथ साथ इस मंदिर में और भी कई रहस्य छिपे हैं। इस मंदिर में भगवान शिव का एक प्राचीन शिवलिंग है जो पंचमुखी है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग समय समय पर रंग बदलता है। यह भी अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में गणेश जी की एक अलौकिक प्रतिमा है। आइए अब आपको हम इस मंदिर के दूसरे रहस्यों के बारे में बताते हैं। ये मंदिर चमत्कारों का धनी होने के साथ साथ सदियों पुराना भी माना जाता है। इस मंदिर में साक्षात माता की महिमा तो देखने को मिलती ही है, साथ ही इस मंदिर में देवों के देव महादेव का एक पंचमुखी शिवलिंग भी स्थापित है जो समय समय पर अपना रंग बदलता है। इसका रंग सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग दिखाई देता है। ये शिवलिंग एक ऐसे पत्थर से बना है जो सूर्य की स्थिति के साथ
रंग बदलता है। अलग अलग पहर में शिवलिंग का रंग अलग अलग दिखाई देता है। देखते ही देखते कब पंचमुखी शिवलिंग का रंग बदल जाता है पता भी नहीं चलता। साथ ही इस मंदिर में भगवान गणेश की एक वर्षों पुरानी प्रतिमा भी विराजित है। मान्यता है कि भगवान गणपति की ऐसी प्रतिमा पूरे देश में कहीं और नहीं है। और इस मंदिर की अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली ये घटनाएं दूर दूर से भक्तों को अपनी ओर खींच लाती हैं। और भक्तों का भी मानना है कि यहाँ आकर उन्हें साक्षात माँ की कृपा की अनुभूति होती है। देवी माता की महिमा अपरंपार है। माता कभी भी अपने किसी भी संतान के प्राण नहीं ले सकती। इसका जीवंत उदाहरण इस मंदिर में देखने को मिलता है। जिस तरह से इस मंदिर में बिना प्राणों की आहुति दिए एक प्राचीन परंपरा को निभाया जा रहा है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। भारत के ऐसे ही रहस्यमयी और प्राचीन मंदिरों की कहानी लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी। नमस्कार।